इधर में मैं पिछले मंथ आप ही के चैनल पे बोला था कि बिदर में 60 करोड़ रुपए के रोड बनने वाले हैं, तो वो रोडों का काम चालू हो चुका है और टोटली 8-10 दिन के अंदर मोर देन 80% रोड ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा बहुत ही फास्ट काम चल रहा है। मैं अभी इस फिलहाल जो मेडिकल कॉलेज के पास जो मणिवाल सरकार है, जहाँ से हाउसिंग बोर्ड चालू होता है, सिद्धा रेड्डी मैडम के घर के सामने ठहरा हूँ और इस वार्ड के काउंसलर यहाँ पे वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दोटी साहब, और साथ ही हमारे जॉर्ज है और पूरी टीम है यहाँ पे। जो मैं पूरे काउंसलर्स को बोला हूँ, जितने 90% जीते हैं, कुछ वार्ड में हारे हैं, तो उन सभी को बोला हूँ, जो जो वार्ड में आपका काम हो रहा है, ये बहुत दिनों के बाद काम हो रहा है, तो आप लोग इसको अच्छा सा मॉनिटरिंग करो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहूँगा। जहाँ पे भी अगर कोई कंप्लेंट कर देगा तो आप बोलिए, वो ऑफिसर पे भी एक्शन होगा और कंट्रैक्टर पे होगा, क्योंकि दो दो तीन तीन ऑफिसर इंजीनियर्स ये रोड के पीछे लगे हुए हैं और जेई लगे हुए हैं और कंट्रैक्टर भी आके विज़िट करके देख रहे हैं। हमारे गुरुनाथ कुल्लर साहब है कंट्रैक्टर, उनके पास अच्छे मशीनरीज, अच्छा क्वालिटी वर्क हो रहा है। मैं खुद आके देखा हूँ, गेज भी चेक किया हूँ, कितना गेज का मटेरियल गिर रहा है बोल के। तो बिदर में मैं समझता हूँ 99% रोड हो जाएंगे, पूरा बिदर, न्यू सिटी, ओल्ड सिटी। 60 करोड़ रुपए का फिलहाल काम चालू हो गया है और अगर 10-20 करोड़ रुपए लगे तो भी एक्स्ट्रा कराने के लिए हम तैयार है। टोटल ये मेरा तो प्लान जो है, मैं 100 करोड़ का रखा हूँ पूरे रोड के लिए। अभी 60 करोड़ का काम चल रहा है, अगर और कुछ कम पड़े तो बाकी के 25-30 करोड़ रुपए भी लगा के पूरे बिदर शहर को बहुत ही अच्छे से रोड ड्रेन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत दिन से वेट था कि अभी ये जो रोड यहाँ से निकल के, मेडिकल कॉलेज से निकल के, हमारे सिद्धार्थ कॉलेज से निकल के, फिर हमारे पीछे फायर ब्रिगेड ऑफिस से लेते हुए हमारे डीसी सर के घर तक जारी है। डीसी सर के घर से फिर गावन चौक जाएंगी, गावन चौक से फिर अंबेडकर सर्कल आएगी, फिर बसवेश्वर सर्कल जाएगी, बसवेश्वर सर्कल से आपके चौबारा जाएगी, चौबारा से म्यूनसिपल्टी ऑफिस, जो म्यूनसिपल्टी स्कूल है, फिर वहाँ से मुस्लिम जो चौक है वहाँ पर जाएगी, फिर गावन चौक है। इस तरह से सभी रोड कवर किए हैं हम, और अभी नौबाद डेंटल कॉलेज जो रेलवे गेट है वहाँ से लेके वो रोड आपकी अंबेडकर सर्कल तक बन गई है। तो मैं सभी बिदर की जनता को और पूरे हमारे सपोर्टर्स को, दोडी साहब को, क्योंकि ये ना बहुत ही प्रेशर कर रहे थे ये रोड थोड़ा रियली, क्यों यूजीडी की वजह से, प्लस बीच में बारिश बहुत हो गई, ये दोनों की वजह से यहाँ की रोड बहुत ख़राब हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना क्वालिटी रोड बन रहा है। तो इसलिए मैं सभी बिदर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और आने वाले दिनों में अंदर के रोड भी और जो मेन रोड भी है दोनों बनेंगे। इतना बोलते हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। एक बिदर उत्सव को लेकर छोटा सा मैसेज चल रहा है हर जगह पर कि बिदर उत्सव कैंसिल हो गया है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? क्या वो न्यूज़ सही है, क्या फेक? नहीं, अब फिलहाल अब तक तो वो न्यूज़ फेक है जी। इसके बारे में एक बार हम और एक बार मीटिंग करके डिस्कस करें, फिलहाल प्रेजेंट तो ये न्यूज़ फेक है जी। इसके बारे में नेक्स्ट में अगर ऐसा कुछ कोई सीरियसनेस कोई चीज़ लोगों को पब्लिक को लेके अगर कुछ होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर, हेल्थ मिनिस्ट्री से जो है गाइडलाइंस आए गए कोविड के प्रिकॉशंस जो भी है उसको फॉलो करो, तो इससे लोगों में अफवाह फैल गई कि कोरोना वायरस के फिर केसेस निकल रहे हैं, तो क्या इधर उस सब कैंसिल होता है बोलते, ऐसी अफवाह चल रही है? नहीं, ऐसा आपस में डिस्कस चल रहा है, आप लोग पूछ रहे हो, बात करेक्ट है। लास्ट टाइम देखे हैं आप, कोरोना में पूरा इलेक्शन होगा, यूपी का इलेक्शन हो गया, पूरे यहाँ पे कर्नाटक में भी इलेक्शन हुए, फुल कोरोना सीरियस, हॉस्पिटल में लोग हज़ारों लोग एडमिट है, परेशान है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टर की फैसिलिटीज़ नहीं, कितने सीरियस लोग मर रहे। वैसे टाइम गवर्नमेंट इलेक्शन कराई जिसमें हज़ारों लोग पब्लिक थी,
तो अब इसके बारे में अगर पब्लिक को रिलेटेड होके अगर ऐसा कुछ मीटिंग है तो मीटिंग में अटेंड करके हम आपको ज़रूर बताएंगे।